हेलो एवरीवन, मैं केपी मिश्र, आप सभी का शारदा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन करेंगे कि यदि नंबर आपका एक्स इक्वल भी टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, तो किस प्रकार से संकट बनेगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। आइए देखा जाए सबसे पहले है क्या डिटरमिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसका क्या है, केंद्रीय परमाणु के संकरण का निर्धारण करना है। केंद्रीय परमाणु के संकरण का निर्धारण करने के लिए एक फार्मूला होता है जो आप देख रहे हैं, x इक्वल वी हाफ पी प्लस एस से माइनस सी होता है। x जो होता है ये आपके संकरण के मान का निर्धारण करता है कि x की वैल्यू यदि वन नहीं, x की वैल्यू यदि टू फोर इस प्रकार से आ रही सिक्स, तो वो क्या करता है, x का मान निर्धारण करता है किस प्रकार का संकरण बन रहा है। जहाँ आप जान लीजिए किसी प्रमाण के संकरण का निर्धारण करने के लिए x का मान डिपेंड करता है, जैसे आप x इक्वल बी हाफ बी प्लस एस से माइनस सी होता है, जहाँ भी बी आपका ये होता है कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। जैसे आप किसी भी कंपाउंड को आप ले लीजिए जिसके आउटर सेलों में इलेक्ट्रॉन बनते हैं, संयोजी कोष बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है संयोजी कोष, यानी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यह आपको भी आइडेंटिफाई करता है। और एस जो होते हैं ये सेंट्रल मेटल आइटम से कितने लोग जुड़े हैं ये बताता है, यानी केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या को ये ऐसे डिफाइन करता है, एज ए लिगेंड। क्या होता है, एज ए लिगेंड होता है। इसमें हमको क्या करना होता है, यदि ऑक्सीजन परमाणु दिया है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसमें से O की बात किया जाए तो ऑक्सीजन एटम को ही क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, इसको नहीं लिया जाता है। ऑक्सीजन केवल एक ऐसा एटम है इसको छोड़ करके और सभी को ले लिया जाता है। जैसे आप सी एच फोर है तो इसमें आप एस से बताएंगे कि फोर बार आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये एज ए लिगेंड है, इसमें सी एच फोर दिया गया है। सी एच फोर में हमको बताना है सी एच फोर है, इसमें एस से कितनी बार है तो आप बताएंगे फोर बार आ रहा है, क्यों, एज ए लिगेंड। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसमें कितने लिगेंड आ रहे हैं तो आपको उतना फोर। यदि यही आपका CO2 होगा तो इसको नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, SA को डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन एटम को क्या करना है, बता दिया गया, छोड़ देना है। और सभी जितने भी आपके इसमें लिगेंड जुड़े होंगे उनका नंबरिंग आपको करना होगा। और E क्या होता है तो आप बताएंगे कि E जो होता है ये आवेश को डिफाइन करता है, बताता है इसमें E चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफाई करता है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो लेस हो जाएगा और यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐड हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा धनात्मक होगा तो घट जाएगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। और एक्स मैंने अभी पहले ही बता दिया कि एक्स के मान से संकरण का निर्धारण किया जाता है, किसका, एक्स के मान से संकरण का निर्धारण किया जाता है कि किस प्रकार का ये संकरण बना रहा है, एस पी बना रहा है, एस पी टू बना रहा है या एस पी थ्री बना रहा है, sp3d बना रहा है, इस प्रकार से देखना है, ठीक है। तो बात यह है कि इसमें एक x के मान के निर्धारण करने के लिए यहाँ x का मान बताएगा, x का मान, और यहाँ आपका हो जाएगा आपका संकरण, संकरण ये इसमें क्या है कि यदि x का मान दो तीन चार पांच ऐसे आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो टू आएगा तो आपका एस पी हो जाएगा, थ्री आएगा तो एक एस होगा और पी आपका टू हो जाएगा, और ऐसे फोर आ जाएगा तो एस फोर नंबर आ रहा है, एक्स का मान चार आएगा तो एस पी थ्री हो जाएगा, और यदि फाइव आएगा, फाइव आ रहा तो एक एस पी थ्री और एक डी, एक क्या बना रहा है, एस पी थ्री और आपका डी हो जाता है। एक्स सिक्स आ जाता है, एक्स का मान सिक्स आ रहा है, सिक्स आ रहा है तो उसको लिखेंगे क्या, एस पी थ्री थ्री वन फोर फोर टू सिक्स, और ऐसे ही सेवन आ जाता है तो इसको लिखा गया जाएगा एस पी थ्री और डी थ्री, क्या होगा, एस पी थ्री और डी थ्री, ठीक है। यानी एक्स का मान ये निर्धारण करता है कि किस प्रकार का संकरण बन रहा है। यदि एस का मान, एस का मान टू आ रहा है तो एस पी हो, क्योंकि एस और पी आप जानते हैं एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ओवरऑल दो होती है, पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिक्स होती है और डी में दस होती है, और एफ में कितना होता है, फोर्टीन होता है। यदि दो इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब
ऑर्बिटल जो बनेगा वो एक बनेगा, छः है तो ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, और 10 है तो 5 हो जाएगी, और 14 है तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपके ऑर्बिटल हो जाएंगे। एस में ऑर्बिटल एक बनता है और पी में 6 ऑर्बिटल बनते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते 3 ऑर्बिटल बनता है, और एफ में 10 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हाफ बनना है। एस में 2 है तो 1, 6 है तो 3, 10 है तो 5 और 14 है तो 7, क्या ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक्स का मान मिल रहा है, और एक्स का जब मान मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन बनना है। जैसे एक कंपाउंड हम ले रहे हैं, उस कंपाउंड का नाम है मेथेन, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। CH4 आ रहा है, इसमें हमको देखना है कि सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु जो आपका सी है। सी, अब हमको ये देखना होता है कि सी आपका ये है एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो 2,4। ये है इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बन रही है, वो फोल हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, अब बात ये है फार्मूले पे हमको इसको रख देना है, यानी एक्स इक्वल भी हो जाएगा हाफ और बी प्लस एस से माइनस सी, यानी बी यानी क्या हो जाएगा, ये आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बन रही है ये आगे क्या होगी, बी हो जाएगी, यानी केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बी होती है, इन्हें हम आउटर शेल कहते हैं, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यही फोर आपका क्या होगा, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यस से माने कितने यहाँ लिगेंड जुड़ रहे हैं, तो यसे में आप देख रहे हैं कि फोर है, कितना है, फोर, तो यहाँ आपको फोर कर देना होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो घट जाएगा और निगेटिव चार्ज होगा तो जुड़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है तो यानी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख ये रहे हैं कि एक्स इक्वल भी हो गया हाफ, 4,4 हो गया आपका 8, डिवाइड कर दिए तो आपका हो गया 4, x इक्वल भी कितना 4। यदि 4 आ रहा है, x का मान हमने बताया, यदि आपको 4 मिलेगा तो उस समय संकट किस प्रकार से हो जाएगा, तो आप देखेंगे यस प्रति 3। ये क्या बना, ये संकट बन गया कि डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये किस प्रकार से संकट बना रहा, तो आप देखेंगे यस भी 3 बना रहा। ठीक है ना, इस प्रकार से जितने भी आपको क्वेश्चन देंगे वो आप करिएगा, और कुछ और हम क्वेश्चन करा रहे हैं आप देख लीजिए। जैसे BeCl2 है, क्या है अगला क्वेश्चन आपका है, BeCl2 आप Be का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 4 है, 4 है, इसमें हम क्या करेंगे, 2,2 कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको फार्मूले पे रख देना होगा। कितने लिगेंड इसमें जुड़े हैं, यानी एस से कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 टाइम्स है, यानी हाफ 2+2। यदि कोई चार्ज नहीं है तो अब क्या होगा, चार्ज 0 हो जाएगा, और यह हो क्या जाएगा कि 4 डिवाइड कर देंगे 2, यानी 2 आ रहा है, एक्स इक्वल भी क्या मिल गया आपको, आपको 2 मिला, एक्स इक्वल भी आपको 2 मिल रहा है, तो 2 मिलेगा तो किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, आप देखेंगे यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा एस पी, क्या बनेगा, एस पी है, हाइब्रिडाइजेशन की बातें जो बन रही है एसपी बन जाएंगे। ठीक है ना, अब आगे हम ऐसे कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, इसको पहले मिटा दें, इसमें है जैसे आप देख लीजिएगा IF3 दिया गया है, IF3, आई फॉर हो गया आयोडीन, आयोडीन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप कहेंगे ये है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का है, यह पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पी ब्लॉक के 17वें ग्रुप का एलिमेंट है, ये आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो जाएगी, क्या होगी, 7। आप देख लीजिएगा एलिमेंट के नाम नोट भी कर देते हैं, हेलोजन एटम बोला जाता है, हेलोजन एटम, हेलोजन एटम में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टारिन, ये एलिमेंट आते हैं, और इसमें हमने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यदि
आपको के इलेवन का रूल पता है, तो के में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, एल में 8 होती है, और एम में 18 होती है, एन में 32 होती है। यानी पीरियडिक टेबल को पीरियडिक टेबल में नंबर को ऐड करने के लिए 8, 8 और 18 कर दिया गया, ठीक है ना, 18 का 18। अब इसका नाम आप, इसका टर्मी नंबर आपको पता है कितना है, तो 9 है। 9 में 8 आप जोड़ दीजिए, कितना होगा 17। अब 17 यही हमको यहाँ हमें करना ही, 9 है इसका मतलब ये नंबर ऐड होगा, 17 होगा। 17 में 8 ऐड कर दीजिए, 35 हो जाएगा। और 35 में ये आपका 35 हो गया, इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए, ये क्या होगा 53 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये आपका 18 यहाँ जुड़ा 53 हो गया, 53 में आप इसको ऐड कर देंगे तो लास्ट वाला 80 यानी स्टार्टिंग का टर्म नंबर बन जाएगा। इसका भी टर्म नंबर देख लीजिए, 53 में कितना ऐड करेंगे, 32 ऐड कर देंगे, दस 53 आपका ये है। इसमें हमको क्या करना है, 32 को ऐड कर देना है, जैसे ऐड करेंगे 585 हो गया। यानी इस प्रकार से हमको मालूम हो गया कि एटॉमिक नंबर क्या है, किस प्रकार से बन रहे हैं। तो ये फ्लोरीन आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटिन है, यानी कह दिया गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटिन इन सभी के क्या है, एटॉमिक नंबर ऐसे हैं, आप देख भी सकते हैं। और ये किस ब्लॉक किस ग्रुप का है, तो आप कहेंगे 17, है ना, इसी को रोमन नंबर में 7th ये भी लिखा जाता है। यानी आउटर सेलो में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बन जाएगी, तो आप कहेंगे 7। यानी आई के आउटर सेलो में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बन रही है, 7 बन रही है। और यानी बी इक्वल बी आपको आइडेंटिफाई हो गया कि बी इक्वल बी कितना है, 7 है। और एस सी इक्वल बी कितना आ रहा है, 3 है। तो फार्मूला आपका यही होता है, एक्स इक्वल बी हाफ बी प्लस एस ए और माइनस ई होता है। यानी बी के प्लस पे आप क्या करेंगे, 7 प्लस एस ए इक्वल एस ए के प्लस पे आप 3 करेंगे, कोई चार्ज नहीं है, 0 कर देंगे। यानी आपको हो के जाएगा 10, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5। यानी एक्स इक्वल भी कितना हो गया, 5 आ गया। और 5 आ रहा तो संकट यानी हाइब्रिडाइजेशन जो बन रहा है, एक्स इक्वल भी 5 आ रहा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन एक एस है पी थ्री और डी, यानी क्या एस पी थ्री और डी। इस प्रकार से क्या होगा, यह क्वेश्चन आपके हाइब्रिडाइजेशन के हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको सल्फर डाइऑक्साइड पर, क्योंकि तो यहाँ ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम वहाँ बताया गया था कि यदि एस ए में ऑक्सीजन एटम दिया गया तो ऑक्सीजन एटम को क्या करना, छोड़ देना है। जैसे आप देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड है, क्वेश्चन अगला है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड हमें करना ही वही है कि सल्फर के आउटर सेलो में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखना। तो एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 16 होता है सल्फर का, और 16 होगा तो 2.8.6 2.8 देखिए 16 है तो 2.8.6 यानी आउटर सेलो में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बन रही, 6 बन रही है। हमें यहाँ करना क्या होगा, यस से आप 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि तो ऑक्सीजन आइटम होगा, तो वहाँ क्या करना होगा, इसको नहीं लिखना होगा, ऑक्सीजन आइटम को छोड़ देना होगा। यदि ऑक्सीजन, क्योंकि आप देखिए ऑक्सीजन आइटम को यहाँ क्या करना है, यस से के प्लेस पे छोड़ना है, यानी इसके प्लेस पे ओवरऑल क्या लिखना है,